योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धीरे से सभी आंखें हो। वेरी गुड सौरभ जी, हम लोग पातंजलि योग सूत्र के विभूति पाद की चैंटिंग कर रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हम फोर्टी सूत्रों को कवर अप कर चुके हैं। लास्ट कक्षा में हमने 21 से 45 तक कवर किया था, तो अभी आप 21 से पुनः दो दो बार एक सूत्र का रिवीजन करेंगे मेरे साथ, और फिर उसके बाद हम आगे के सूत्रों को पढ़ेंगे और मैं आपसे पढ़वाऊंगा। एक एक बार ये पहले के सूत्र और दो दो बार फिर 21 से 45 तक, ठीक है? आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? सभी को? जी सर। ओके। देशबन्धश्चित्तस्य धारणा देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम् तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम् तदेवार्थमात्र निर्भाषम् स्वरूपशून्यमिव समाधिः तदेवार्थमात्र निर्भाषम् स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तज्जयात् प्रज्ञालोकः छटा तस्य भूमिषु विनियोगः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयम् अन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः त्रयम् अन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्वीजस्य एत् तदपि बहिरङ्गं निर्वीजस्य व्युत्थाननिरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावौ निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोधपरिणामः व्युत्थान निरोध संस्कारयोर विभव प्रादुर्भावो निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् 11
सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य क्षमाधिपरिणामः। सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य क्षमाधिपरिणामः। ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः। ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः। तटि एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः। शान्तोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। शान्तोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। प्रमाण्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः। क्रमाण्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः। 16 परिणामत्रय संयमात् अतीतानागतज्ञानम्। परिणामत्रय संयमात् अतीत अनागतज्ञानम्। 17 शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् शङ्करस्तत्प्रभिभागसंयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम्। शब्द अर्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् शङ्करस्तत् प्रविभागसंयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम्। 18 संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम्। संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम्। प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्। प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्। न च तत्सालम्बनम् तस्याविषयीभूतत्वात्। न च तत्सालम्बनम् तस्याविषयीभूतत्वात्। 21 से कायरूपसंयमात् तद् ग्राह्यशक्तिस्तम्भे। चक्षुः प्रकाशासंप्रयोगे अन्तरध्यानम्। कायरूपसंयमात् तद् ग्राह्यशक्तिस्तम्भे। चक्षुः प्रकाशासंप्रयोगे अंतरध्यानम्। फास्ट तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है? सर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। थोड़ा फास्ट हो रहा है सर। अच्छा, एक्चुअली रिवाइज चल रहा है ये, पहले मैं वैसे करा चुका हूँ, केवल रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में इतना फास्ट चल जाना चाहिए, पर लेकिन आपको लग रहा है तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसके। अच्छा लय लग रहा है गुरु जी, लय में गा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में भी। क्योंकि पता क्या है, ये रिवीजन चला है, ये पढ़ चुके हैं हम, अभी जो 56 से जो होगा वो आराम से और वो से कराऊंगा, थोड़ा सा स्पीड लेंगे तो आप लोगों से पढ़वाना भी है ना आज सारे के सारे पूरा चैप्टर, तो आपका भी नंबर देना। ठीक है, सुनिए, चलिए थोड़ा सा स्पीड कम कर लेते हैं।
शोपक्रममं निरुपक्रममं च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानमरिष्टेभ्योवा शोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानमरिष्टेभ्योवा 23 मैत्रियादिषु वलानि मैत्रियादिषु वलानि 24 वलेषु हस्ति वलादीनि वलेषु हस्ति वलादीनि 25 प्रवृत्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम् प्रवृत्या लोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम्। आप भी ना साथ साथ बोला करो, मन ही मन माइक ऑफ रख के साथ साथ चैंट किया करो, तो इस पे स्पीड भी आएगी और सुनो सुन के बोलोगे तो और अच्छा। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात् भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात् चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम ध्रुवे तद्गति ज्ञानम ध्रुवे तद्गति ज्ञानम नाभिचक्रे काय व्यूह ज्ञानम नाभिचक्रे काय व्यूह ज्ञानम कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्तिः कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्तिः 31 कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम् मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम् प्रातिभाद्वा सर्वम् प्रातिभाद्वा सर्वम् हृदये चित्तसंवित हृदये चित्तसंवित षत्वपुरुषयोरत्यन्ता संकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुषज्ञानम् षत्व पुरुषयोरत्यन्ता संकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुषज्ञानम् ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शास्वादवार्ता जायन्ति ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शास्वादवार्ता जायन्ति ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ते समाधातुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः नेक्स्ट वन बन्धकारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः बन्धकारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानजयात् जल पंक कंटकादिस्व शंग उत्क्रांतिश्च उदानजयात् जल पंक कंटकादिस्व शंग उत्क्रांतिश्च 14 शमानजयात्
ज्वलनम शमान जयात ज्वलनम 41 श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम कायाकाशयोः संबंध संयमात लघु तूल समापत्तिश्च आकाशगमनम् कायाकाशयोः संबंध संयमात लघु तूल समापत्तिश्च आकाशगमनम् 43 वहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः वहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः 44 स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थ अन्वयार्थत्व संयमात् भूतजयः स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थत्व संयमात् भूतजयः 45 ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च ओके लास्ट कक्षा में हम लोगों ने यहाँ तक कवर अप कर लिए थे। आज बाकी के शेष जो बचे हुए हैं 46 से 55 इन सूत्रों को भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग चयन करना, ठीक है। सुनिए 46 से रूप लावण्य वल वज्र संहन नत्वानि काय संपता रूप लावण्य वल वज्र शंहन नत्वानि काय संपत रूप लावण्य वल वज्र शंहन नत्वानि काय संपत 47 ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थ वत्व संयमादिन्द्रियजयः ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थ वत्व संयमात् इन्द्रियजयः ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थ वत्व संयमादिन्द्रियजयः 48 ततो मनोजवित्वम् विकरण भावः प्रधान जयश्च ततो मनोजवित्वं विकरण भावः प्रधान जयश्च 49 षत्व पुरुषान्यता षत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्व भावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च 50 तद् वैराग्यादपि तद् वैराग्यादपि दूष वीजक्षये कैवल्यम् तद
वैराग्यादपि दूषवीजक्षये कैवल्यम्। 51 स्थान्युप निमंत्रणे स्थान्युप निमंत्रणे संगस्मयाकरणं पुनर निष्ठ प्रसंगात्। स्थान्युप निमंत्रणे संगस्मयाकरणं पुनर निष्ठ प्रसंगात्। 52 क्षण तत् क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानं। क्षण तत् क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानं। नेक्स्ट वन 53 जाति लक्षण देशैरन्यतानवच्छेदातुल्य योस्ततः प्रतिपत्तिः। जाति लक्षण देशैरन्यतानवच्छेदातुल्य योस्ततः प्रतिपत्तिः। 54 तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयं क्रममं चेति विवेकजं ज्ञानं। तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयं क्रममं चेति विवेकजं ज्ञानं। 55 सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिशाम्ये कैवल्यम्। कैवल्यम इति यम पे कैवल्यम है वैसे। सत्त्व शुद्धयो पुरुष साम्ये पुरुष सत्व पुरुषयोः शुद्धिशाम्ये कैवल्यम्। एक्चुअली ये लास्ट वाला जो सूत्र है वो जो है कैवल्य मिति ना होके ये कैवल्यम कैवल्यम है सर। हाँ कैवल्यम है। ये थोड़ा सा आप मिति ना पढ़ के कैवल्यम पढ़ना है आपको, ठीक है। और इससे ऊपर ये जाति लक्षण वाला भी थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे। और ये जो है ना यहाँ थोड़ा सा तू तू दो बार आ गया है। देखिए वच्छेदात और तुल्य ये वाला जो है ना वच्छेदात आधा ता है और फिर एक ता पे उ की मात्रा है। तुल्य केवल एक ये एक्स्ट्रा आ गया ये वाला जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज ना हो। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक सर? 45 वाला एक बार। कौन सा? 45। ये देखिए ततो अणिमादि प्रादुर्भावः। ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत तद तद धर्मान विघातश्च। संपत तद तद धर्मान विघातश्च। ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत तत् धर्मान विघातश्च। अभी आप बोल के बताओ। जी सर। ततो अणिमादु अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत सर यही नहीं बनता काय संपत। यहाँ पे देखो काय संपत आप काय संपत पढ़िए काय संपत, लेकिन वो जो आधा ता इधर आ रहा है फिर एक ता इधर पूरा ता बच रहा है उसे ये ता और प्लस ये जो है ना द आधा द है यहाँ पे ये और ध पूरा है तो उसे क्या बोलेंगे? तद।
तद धर्मा, तद धर्मा। काय संपद के बाद क्या बोलना होगा? काय संपद के बाद बोलना होगा तद धर्मा, ठीक है जी सर। और फिर तद धर्मा और न भिगा, न भिगा तश्च, न भिगा तश्च। अभी पढ़िए। ततो अणिमा, ततो अणिमादि प्रादुर्भावा काया संपत संपत तत् संपत तद धर्मा, तत् धर्म नाभिघातश्च, नाभिघातश्च। हाँ ऐसे ही, एक बार और रिवाइज करो इसे जल्दी। ततो ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काया संपत्त। ये जो है ना, मैं फिर आप कंसेप्ट समझिए इसका। इसमें जो ये ता है, इसमें दो ता है, एक आधा ता एक पूरा ता, ठीक है। तो जो आधा ता है वो काय संपत्त इधर आ जा रहा है, प के साथ आ जा रहा है। एक जो ता बचा जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है ना कर्सर? है नहीं? लो मैं पेन ले लूं एक मिनट। जी सर, पेन ले लूं। अब देखिए आप, जैसे ये है ये, इसमें ये जो ता है, इसमें एक्चुअली क्या है, इसका जो आधा आधा ता तो इधर आ रहा है, इसे काय संपत कह दे रहे हैं, लेकिन इसका एक ता बचा और ये जो धा नीचे लटका हुआ है और द है, तो इसमें द ना आधा है। द आधे का मतलब है कि द ऐसे वाला है जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, ऐसा ऐसे हलन, तो इसे क्या बोलेंगे? तद, 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 और फिर ध पूरा बचा तो धर्मा हो जाएगा। तद धर्मा, तद धर्मा, तद धर्मा, और फिर न भिगातश्च। नहीं तो आप सीधे तद धर्मान, तद धर्मान यहां तक बोल सकते हो, फिर बोल दो भिघातश्च, भिघातश्च, भिघातश्च। अभी बोलिए। अभी समझ में आया? जी सर, आया आया जी। हाँ तो बोलो जल्दी, रिवाइज करो एक बार और। ततो अणिमा, ततो अणिमादि प्रादुर्भावा काया संपत तत्धर्म, तत्धर्म ना तत्धर्म भिगातश्च। भिगातश्च हो गया ना, तो फिर अलग से च बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि च एक ही है। तो काय संपत, काय संपत तद धर्मान भिघातश्च, ठीक है? ठीक है सर, ट्राई करूंगा फिर तो। और किसी अभ्यास करोगे ना आ जाएगा, बार बार रिवाइज करना। वो अभी जुबान पे वर्ड बैठना भी चाहिए ना, सेट नहीं होता तब तक वो घूमती नहीं है टंग उस तरीके से। संस्कृत में यही बड़ी रोचकता है कि संस्कृत में जो टंग है ना, वो इतने तरह से इतने एंगल्स पे घुमानी होती है, तब जाकर के वो वर्ड जुबान पे आ पाते हैं। और एक बार सेटअप हो जाता है ना, फिर दिक्कत नहीं होगी। अभी दिक्कत इसीलिए हो रही है कि अभी टंग पे बैठ नहीं रहा है, सेट नहीं हो रहा है। सर इसमें क्या एक शब्द में दो दो तीन तीन शब्द रहते हैं सर? 51 सर, 51 51 देखिए। स्थान्यु, स्थान्यु, जैसे न्यू होता है ना, तो न्यू ना होकर के न्यू थोड़ा सा साउंड, स्थान्यु। फिर पनिमंत्रणे, पनिमंत्रणे, या स्थान न्युप, न्युप बोल दो, यहां तक बोल दो आप, स्थान्युप। और फिर निमंत्रण होता है ना, इनविटेशन उसी का निमंत्रण है ये, स्थान्युप, निमंत्रणे। फिर ये मैंने पहले बताया था, ये जो है ना संग पढ़ा जाएगा, ये क्या पढ़ा जाएगा, इस पे ये वाला जो डॉट है वो इस अक्षर पे आ जाएगा और ये ग पूरा है, तो क्या बोलेंगे इसे? संग। स्थान्युप निमंत्रणे संगस, ग, और फिर ये आधा सा इधर है यहाँ पे, तो इसे गस
कैसे पढ़ रहे हैं, शंकस शंकस, ठीक है। फिर मयाकरणम मयाकरणम, फिर पुनर पुनर निष्ठ प्रसंगात पुनर निष्ठ प्रसंगात। अभी क्लियर हुआ है कि दोबारा बोलूं? नहीं सर, क्लियर है। आप बोल के बताओ फिर, तब मैं मानू तो क्लियर करती हूँ। स्थानु निमंत्रणे संगश मयाकरणम पुनर निष्ठ प्रसंग्यात। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही आ जाएगा, और क्लियर हो जाएगा जितना अभ्यास करोगे, ठीक है। और सर किसी? हाँ सर, जैसे आप 51 में आपने एक्सप्लेन किया है कि जी। प्रसंगात, तो ये गा तो बड़ा हो जाएगा, और जो रा है उसमें अम की बिंदी का उच्चारण करना है, आधा ना का। इसकी कह रही हो ना आप? हाँ, 51 का जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना सर, वो वाला पुनर्निष्ठ प्रसंगात, तो इसमें ग बड़ा हो जाएगा और जो प्रस है प्रस के बाद में आधा ना का उच्चारण करना है। देखिए यहाँ, अच्छा आप इसी टेक्स्ट में देख रही हो किसी दूसरे में? मैं अपनी पतंजलि में देख रही हूँ सर। एक्चुअली ये जो है ना, देखो यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ वो इस लिखाई के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। प्र बोला और फिर स पे डॉट लगाया ना, तो स पे संग संग ऐसे बोला जाएगा। फिर गात अलग से बोल दिया जाएगा तो क्या होगा, प्रसंगात, क्योंकि गा तो बड़ा ही है ना। हाँ सर, इसमें अलग दिया हुआ है। सही, हाँ वो होगा थोड़ा, देखो बोलो। वो रा लिखते हैं ना, वैसे टाइप से लिखा हुआ है बुक में, तो वो एक्चुअली सेम ही उसमें है। नहीं कुछ कुछ हो सकता है कि मैंने, देखो मैं एक आध सर, वो ठीक सेम ही है, वो दोनों तरीके से लिखा जाता है। है। चलिए और किसी की कोई समस्या है इसमें? सर 47 कराना था एक बार। 47 देखिए, तोड़िए इसे, ग्रहण यहाँ तोड़ा पहले, ग्रहण फिर स्वरूप में तोड़ दिया, अगला वर्ड में आए स्वरूप, फिर इसे अस्मिता बोल सकते हो आप, नहीं तो स्वरूप आप बोल दो, अस्मिता नहीं तो अस्मिता बोलिए, ग्रहण स्वरूप अस्मिता, अस्मितान 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 तक लेके आइए, यहां तक ये जो ना है इसे आधा तक पढ़िए, अस्मितान, फिर बोलिए वयार्थ, वयार्थ तक, ठीक है, वयार्थ, फिर वत्व वत्व संयमादिन्द्रिय जयः। मनोज जी अब ठीक है, ग्रहण स्वरूपा या स्वरूप अस्मितान वयार्थ वत्व संयमादि इंद्रिय जयः, नहीं तो संयमात इंद्रिय जयः, ठीक है। जी सर, मैं उच्चारण करूं बोलिए सर? सर, आप भी जल्दी करो। जी सर, ग्रहण स्वरूप अस्मितान अस्मितान व्यार्थ वत्व संयमादि इंद्रिय जयः। वेरी गुड, ऐसे ही बोलना है बिल्कुल। ओके सर। चलिए और किसी को कोई समस्या? अभी 46 से लेकर 55 तक के सूत्राज में। सभी को क्लियर है ये? 53 भी है सर, एक बार प्लीज। 53, सुनिए इसको, देखो मैंने ये बताया ना, यहाँ थोड़ा सा ये वर्ड एक्स्ट्रा आ, ये लेटर एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको आप मेंशन नहीं करना है, इसको कंफ्यूज ना होना, चेंट में मत इंक्लूड करना। तो कैसे बोलेंगे, जाति लक्षण देशई, जाति लक्षण देशई, फिर रन्यता रन्यता रन्यतान, देखो तोड़ देते हैं इसे, पहले जाति फिर लक्षण फिर देशई रन्यतान, देशई अलग रखना यहाँ से थोड़ा, फिर रन्यतान अलग रखना, यहां से अलग कर दो देशई, फिर रन्यतान
वच्छेदात वच्छेदात, इसका जो आदत आया वो इधर ले लिया, वच्छेदात। फिर तुल्य, ये बोला जाएगा तुल्योस्त, ततः तुल्यो तुल्ययो तुल्ययो, इसे तुल्ययो बोला जाएगा, तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति। ठीक है, अभी हो पा रहा है क्लियर कुछ? यस सर। हाँ तो बोलो आप भी फटाफट। जात जाति लक्षण देशोई रण्यतान वच्छेदात तुल्य स्ततः प्रतिपत्ति। हाँ वैसे ठीक है, बस देखो ये ना तुल्य ना होके तुल्ययो तुल्ययो, क्योंकि दो य है यहाँ, तुल्य बोलते हैं तो केवल एक य का प्रोनाउंसिएशन आएगा, लेकिन यहाँ दो हैं तो तुल्ययोस्ततः तुल्ययोस्ततः तुल्ययोस्ततः। ओके यस गुड। चलिए और किसी को कोई समस्या नहीं ना? पूछिए अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, अभी आप बात करिए फटाफट, कोई से मैं कहीं पे भी। सर सर कोटरी के लिए याद रखने की भी बताओ ना सर, कैसे याद रखें? याद रखने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप पहले टारगेट सेटअप करो कि मुझे दो सूत्र या चार सूत्र मुझे पर डे माइंड को सेट करो कि याद करने हैं तो करने ही है। अब उन्हें कैसे याद किया जाएगा? आप चलते फिरते जैसे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं या गाड़ी में कहीं सफर कर रहे हैं, लेकिन मन में वो चैंटिंग चल रही है, उन्हीं सूत्रों को बार बार रिवाइजिंग चल रहा है, रिवाइज करते रहेंगे, समझ रहे हो? और अन्य कामों के साथ भी, जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह या कुछ ही ऐसे काम में लगे हैं, वो भी चल रहा है और मन में जो है सूत्रा चैंटिंग भी चल रही है, क्योंकि मैंने सेटअप किया है कि मुझे चार सूत्र याद करनी है, तो बार बार जितनी बार रिवाइज होंगे वो, तो एक दो बार मिस्टेक होगा, देखने की जरूरत पड़ी, थोड़ा देखा या सुना, फिर अपने मन से बिना देखे चैंट किया, बार बार चैंट किया। बाकी अगला रास्ता ये भी है, एक चार्ट के रूप में लिखे दो सूत्र या चार सूत्र, थोड़ा मोटा मोटा लिखे, जहां आप ज्यादा रहते हो अपने स्टडी रूम में या जहां भी, खटाक से चार्ट सा लटका दिया, बार बार उन्हें देखा, बार बार चैंट करने की कोशिश करी, मन ही मन बोला भूले तैसे ही चार्ट को देखा, भूले फिर चार्ट को देखा और लिखा, लिखने से फिर बार बार बोलने से, तथा आपके घर में आपके छोटे बहन भाई कोई भी सहपाठी आपके हो सकते हैं, उनसे उनको सीधा ये टेक्स्ट दे दिया कि ले भाई तू इसे देख, मैं बोल के सुनाता हूँ, आपने सुनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरीके से करो प्रैक्टिस, ठीक है, बाकी अभ्यास से ही सब कुछ संभव होना है। ओके सर। हाँ जी, सभी को क्लियर हो गया यहाँ इसका मतलब? रिवाइज करा दीजिए। कौन सा मैम? 50 सर, 50 नंबर वाला। देखो इसे ना तद, इसे बोलते हैं तद, ये जो है ना द आधा है और फिर इसके नीचे जो व लगा है वो व पूरा है, थोड़ा संस्कृत लिखी थोड़ी ऐसी जाती है, इसी को यदि और तोड़ तोड़ के लिखा जाए, क्योंकि संधि विच्छेद का जो इसकी अपनी शैली है लिखने की लिपि है कि थोड़ा उस तरीके से लिखी जाती है, तो इसे तद बोलते हैं, तद। फिर वैराग्यादपि, तद वैराग्य, वैराग्य होता है ना वैराग्य, तो वही है ये, तो क्या बोलेंगे, तद वैराग्य, एक मिनट थोड़ा सा मेरी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम कर रही है। तो क्या बोलेंगे, तद वैराग्यादपि फिर दोष वीज क्षये कैवल्यम। आपको दिक्कत इसे इस वर्ड को बोलने में आ रही है? नहीं सर, अब क्लियर हो गया। हाँ तो ठीक है, बोल आप मुझे भी क्लियर। सर 51 प्लीज। हाँ 51 अभी चल रहे हैं। तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। वेरी गुड, ऐसे ही बोलना है। 51 दोबारा सुनिए। स्थान्युप
स्थान्यो पर अंडरलाइन मैंने यहां तक किया है, नियुक्त तक के लिए। स्थान्यो पर निमंत्रणे, इनविटेशन होता है उसे निमंत्रण बोलते हैं, तो ये निमंत्रणे है। स्थान्यो पर निमंत्रणे, फिर संगस संगस इस तक, मया करणम संगस मया करणम, फिर पुनरनिष्ठ प्रसंगात, पुनरनिष्ठ प्रसंगात। क्लियर हो गया मैम? जी सर। हाँ जी, तो आप बोल के भी बताना है आपको। जी सर, एक बार स्क्रीन प्रेजेंट करना सर। हाँ जी, आ जाओ बताइए। हम सभी को स्थान युक्त निमंत्रण संघर्ष सम्यकरणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात। देखिए, संघस्मया करणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात। संघस्मया करणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात। यस, चलिए रिलैक्स, ठीक है। और किसी को कोई समस्या नहीं है ना? 49 नंबर का बताइए। 49 देखिए, सत्व पुरुषयान्यता, ये देखिए पहले सत्व वर्ड में तोड़िए, फिर पुरुषा पुरुषान्यता यहां तक लेके आई, पुरुषा या पुरुष अन्यता, नहीं तो पुरुषान्यता, फिर ख्याति, फिर क्या बोलना है, ख्याति, फिर मात्रस्य, फिर सर्व भावाधिष्ठा, सर्व भावाधिष्ठा तक लाना है यहां तक, और फिर भावाधिष्ठा धिष्ठा त्रित्वम, त्रित्वम इसे बोलो त्रित्वम, फिर सर्व, फिर सर्व और ज्ञा सर्वज्ञातृत्वम, ज्ञातृत्वम, फिर अगला वर्ड ज्ञातृत्वम च, तो सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्व भावाधिष्ठातृत्वम सर्व ज्ञातृत्वम च। क्लियर है जी? अभी बोलिए, आप भी सुनाओ। सर, इसमें का उच्चारण हो रहा है ना लास्ट में? किसका? इसमें जो अपन त्रिशूल का त्र लिखते हैं ना सर, त्र का उच्चारण हो रहा है, त्रत्वम त्रित्वम त्रित्वम त्रित्वम, ठीक है, त्रित्वम जी सर, अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च, ऐसे बोलिए जी। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्व भाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी लय में गाया आपने, बहुत मन खुश कर दिया। अच्छा गाया, ऐसे ही गाओगे ना तो मजा भी आएगा, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। अच्छी लगती है, और वैसे भी जो है सुनने वाले भी बड़े इम्प्रेस होंगे कि वास्तव में कुछ किसी चीज की चैंटिंग चल रही है, और इससे बड़ा पॉजिटिव एक सकारात्मक ऑरा क्रिएट हो जाता है हमारे आसपास, और बहुत अच्छा रहता है। चलिए, चलो अभी मैं बुलाना चाहूंगा रानी मैम, आइए और आप 45 नंबर का सूत्र चैंट करिए, जल्दी जल्दी आते जाइए जिसका नाम बोला जाए। ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत तद धर्मान विघातश्च। बहुत बढ़िया, 46 के लिए प्रतिभा श्रीवास्तव, 46 प्रतिभा मैडम। रूप लावण्य बलवृत्त
वज्र सहन नत्वानी काय संपत। सर अभी प्रैक्टिस नहीं है अच्छे से। बहुत बढ़िया, नहीं ठीक है, अच्छा है, ऐसे ही करना है। 47 के लिए दीपाली मस्तुगे, दीपाली मैम। थोड़ा और दीपाली मैम अभ्यास करना होगा है। 48 के लिए अभी कुमारी कोमल, 48 नंबर का कोमल। सर हाँ सर, मैंने लेट जॉइन किया है तो शायद गलत हो जाए, है ना? क्या किया है आपने? लेट जॉइन किया। हाँ हाँ, लेकिन तो फिर भी मैं बोलूंगी। सुना नहीं था आपने ये जब मैं चैंट करा रहा था? नहीं सर, नहीं सर, फिर भी मैं प्रैक्टिस कर लूंगी, है ना? राइट राइट। ततो मनोजवित त्वं विकरण भाव प्रधान जयस्य चे। जयस्य केवल जयस्य नहीं बोलना है, ठीक है? बढ़िया, ठीक है, अच्छा अभ्यास है, ऐसे ही करना है। ओके नेक्स्ट वन डॉक्टर मोहा, अभी आएंगे नीता साहू। नीता साहू मैडम आप करिए ये 49। जी। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठात्रव्यम सर्वज्ञात्रत्वं च। बहुत अच्छी। सर्वभाव अधिष्ठात्रेत्वं सर्वज्ञात्रेत्वं च। ऐसे नेक्स्ट वन प्रमिला मिशेल। प्रमिला मिशेल जी आप 51 नंबर के सूत्र को चैंट करिए। जी सर। 51 स्थान्योपनिमंत्रणे अंगमय करणम पुनरनिष्ठ प्रसंगात प्रसंगात प्रसंग नहीं प्रसंगात, ठीक है। 52 के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सभी जायसवाल। सभी जायसवाल जी 52 नंबर का सूत्र चयन करिए। जी सर। षड तत्क्रमयो संयमाद्विकजं ज्ञानम। विकजं विवेक, विवेक बोलो, विवेक विवेक सर जम ज्ञानम। विवेकजम विवेक जम ज्ञानम। ज्ञानम यस, और बढ़िया। संयमाद्विवेकजम ज्ञानम। 53 के लिए अभी आएंगे रितिका के। 53 रितिका जी। जाति लक्षण देशैः अन्यतानवच्छेदात् तुल्ययो तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः। तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः। तुल्ययोस्ततः प्रतिपति प्रतिपत्तिः। यस वेरी गुड। 54 के लिए अभी मैदान में आ रहे हैं योग की फिटनेस।
योग की फिटनेस 54 योग की फिटनेस सुबोध मैडम आप करिए. सुबोध यादव सर. हाँ जी. तारकम सर्व विषयम सर्वार्था विषयम क्रम चेति विवेक कंजम ज्ञानम. इसे ना सर्वार्था, इसे सर्वार्था ना कह के सर्वथा सर्वथा विषयम क्रममम चेति विवेकजम ज्ञानम. सर्वथा विषयम क्रम चेति विवेकजम ज्ञानम. बहुत बढ़िया. ऐसे अभी शिवम चौरसिया जी सर बोलिए. लास्ट का 55 नंबर का सूत्र चयन करिए. जी सर. सत्वा पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम. बहुत बढ़िया. चलिए सभी का धन्यवाद. आप लोग बने रहिए कौशल सर की क्लास कक्षा के लिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. धन्यवाद. धन्यवाद सर. थैंक यू सर. थैंक यू. शुभ रात्रि सभी. प्रणाम सर. शुभ रात्रि सर. शुभ रात्रि. स्वस्थ रहना आप लोग. थैंक यू सर. दो मिनट का ब्रेक ले लेंगे.